हम बात करें चार्ट्स, वीवी के जरिए हम का चार्ट को कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ दिख रहा है, देखिए चार्ट दो तरह का होता है, एक एम्बेड चार्ट होता है, एक सीट चार्ट होता है, राइट। तो दोनों के बारे में हम यस डिस्कस सर, करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे एम्बेड चार्ट और शीट चार्ट क्या होता है, दोनों एक बार देख लीजिए। एम्बेड चार्ट जब आप इंसर्ट करते हैं और यहां से चार्ट लगा देते हैं और चार्ट इसी पे आ जाता है, दिस इज द एम्बेड चार्ट। ठीक है, शीट चार्ट क्या होता है, जैसे आप F12 प्रेस करते हैं, F12 नहीं चाहिए, F11, F11 प्रेस करते हैं तो जो डेटा सिलेक्टेड होता है उस पर एक चार्ट बनता है, लेकिन वो चार्ट कहाँ बनता है, एक पर्टिकुलर सीट पे। ठीक है, चार्ट शीट अलग ही ऐड हो जाते हैं, जैसे जिसमें सिर्फ चार्ट चार्ट होता है। तो हम बात करें एम्बेड चार्ट की, डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक, और यहां इंसर्ट मॉड्यूल, यहां पे सब्जेक्ट और आरआर देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, या चार्ट CH1 करके, CH_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे देते हैं कि डिम EMB एज ए, यहां पे देंगे चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, चार्ट ऑब्जेक्ट नीचे वाला। फिर करते हैं कि सेट EMB इक्वल टू, अब किस सीट में चार्ट है हमारा, तो सीट 1 में यहां लिखते हैं सीट 1 डॉट, चार्ट ऑब्जेक्ट जो होता है सीट 1 के अंदर होता है, चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट एड, एड के अंदर यहां चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट एड कर देते थे सर। अब इसको एक बार रन करें, एक बार मैं डबल कोट कर देता, डबल विंडो कर देता हूं। हाँ, एक मिनट, नहीं डायरेक्ट रन नहीं होगा इसमें, मुझे इसका विड्थ हाई, इसका क्या बोलते हैं, चार्ट का लोकेशन तो सेट कर ही नहीं किया मैंने। फिर यहां पे लिखेंगे EMB.chart.setSource, क्या करेंगे, सेट सोर्स डेटा, क्या है सेल्स डेटा, तो यहां पे हम रेंज A1 डॉट करेंट रीजन या पर्टिकुलर डेटा रेंज दे दीजिए। अब चार्ट आपका क्लियर होगा, रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट वैलिड, ऐसा करेंगे इसको। Seat1.chartobject.add, Seat1 यहां पे एक काम और करते हैं, डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट सेट डब्ल्यू इक्वल टू Seat1, और यहां पे w.chartobject.add, इसमें लेफ्ट राइट व्यू, इसके अंदर आर्गुमेंट डालना होता है ब्रैकेट में, जैसे डाल ही देते हैं मैं यहाँ पे लेफ्ट, लेकिन जरूरी नहीं है डालना, सेमीकोलन इक्वल 180 कॉमा, हम यहाँ पे डाला विड्थ
सेमीकोलन इक्वल टू वी हंड्रेड कॉमा टॉप सेवन, टॉप इक्वल टू सेवन और इसकी हाइट एच ई आई जी एस टी हाइट 200 और ब्रैकेट में क्लोज कर। अब ओ इसका हाइट विड्थ सेट करना हो। अच्छा पहले ऐसा नहीं था सेट करने का ऑप्शन, पहले नहीं दिया हुआ, पहले डायरेक्ट डाल सकते हो ठीक है। यहां पे हमने चार्ट ऐड कर दिया, क्लियर है। तो एक तो हो गया आपका क्रिएट चार्ट। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका में मैं यहां पे देता हूं सब्जेक्ट सी एच अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर यहां करता हूं कि डिम ई एम बी एज ए सैप्स, सैप्स भी लेते हैं। सैप्स में हम यहां पे देते हैं सेट ई एम बी इक्वल टू सीट वन डॉट सैप्स डॉट एड चार्ट, एड चार्ट होगा, एड चार्ट टू एड चार्ट, देन ई एम बी डॉट चार्ट डॉट सेट सोर्स, सेट सोर्स डेटा सेमीकोलन इक्वल और यहां पे सिलेक्शन। सोर्स डेटा और यहां पे इक्वल करके सोर्स डालना हो या डायरेक्ट स्पेस भी दे देंगे चलेगा, लेकिन हाँ सोर्स डालेंगे तो सही रहेगा। और इसको रन कीजिए, ये भी एक चार्ट बना रहे। तो दो तरीके हैं चार्ट बनाने के लिए, एक है कि आप चार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएं और दूसरा है कि आप चार्ट सैप्स के, सैप्स के जरिए जाएं ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं चार्ट ऐड करना चाहता हूं, नॉट ए कॉलम चार्ट, मैं चार्ट ऐड करना चाहता हूं पाई चार्ट ठीक है। तो इसी में हमें क्या करना है कि ई एम बी डॉट चार्ट डॉट चार्ट टाइप, चार्ट टाइप और चार्ट टाइप में आप यहां पे चार्ट टाइप इक्वल टू, अब इसके अंदर कौन सा चार्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए पाई चार्ट। तो मैंने यहां पे एक्सेल पाई जो है, थ्री डी नहीं एक्सेल पाई नीचे आएगा, ये चार्ट के सारे टाइप है, जो ऊपर चार्ट टाइप होते हैं ना वही चार्ट टाइप, यहां पे हमने दे दिया पाई। अब मैं इसको रन करता हूं तो चार्ट ऐड होगा लेकिन पाई चार्ट, ठीक है। अब चार्ट यहां पे चार्ट नहीं, मैं चाहता हूं इसके अंदर ए बी डालें, टाइटल डालें, तो यहां पे डालेंगे ई एम बी डॉट चार्ट डॉट, यहां पे चार्ट कलर करना है, चार्ट कलर इक्वल टू मैंने कर दिया वी वी रेड। अब मैं रन करूंगा तो चार्ट का जो एक मिनट, चार्ट कलर में मुझे यहां पे नहीं इनवैलिड प्रॉपर्टी इक्वल ही होगा लेकिन वीवी रेड नहीं है। अच्छा चार्ट का कलर के बारे में बताता हूँ, चार्ट कलर और तरीके से डलता है सर, यहाँ पे चार्ट कलर भी छोड़ता हूँ, यहाँ पे चार्ट टाइटल जाता हूँ, चार्ट टाइटल प्रॉपर्टी है इक्वल डलेगा और इसमें डाल देते हैं सेल्स 2023
एक मिनट भैया, अब इसको चार टाइटल लेते हैं। ओ, माफ कीजिएगा, चार टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेल्स 2023। आ गया टाइटल, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इसमें हमने कर दिया EMB डॉट चार्ट डॉट चार्ट एरिया डॉट फॉर्मेट डॉट फिल डॉट फोर कलर क्रिएटर RGB RGB डालना होगा, RGB इक्वल टू RGB और इसके अंदर 253 कॉमा 242 कॉमा 277 जो डालना है कोड डाल दीजिए RGB। अब इसको रन कीजिए तो देखिए चार्ट का एक कलर आ, या फिर मैं यहाँ पे फिल यहाँ पे चार्ट एरिया डॉट इंटीरियर के थ्रू भी जा सकता हूं, EMB डॉट चार्ट डॉट चार्ट एरिया डॉट इंटीरियर चार्ट एरिया डॉट, नहीं इंटीरियर तो नहीं आ रहा इसमें, इंटीरियर ऐसे नहीं आया। बेसिकली यहां पे एक चीज और सिखाना था कि मान लीजिए कि जो ऑलरेडी चार्ट है उसका कलर चेंज करना हो तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा एक्टिव चार्ट, एक्टिव चार्ट डॉट चार्ट एरिया डॉट एक्टिव चार्ट और चार्ट एरिया डॉट इंटीरियर, इंटीरियर आना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्ट डाल के दे देता हूँ इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स या कलर इक्वल टू 40 कर दिया। अब देखिए मैं इसको एफेक्ट करता हूं और एफेक्ट करके मैं सिर्फ इसी लाइन को रन करता हूं, देखे तो चार्ट इंटीरियर वर्क करता है। मतलब ये हुआ कि मेरा चार्ट बन चुका है, एक तो हुआ कि EMB के थ्रू हम जा रहे हैं तो EMB के थ्रू तभी जाएंगे जब मैं चार्ट नया बना रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड सर, हाँ